नमस्कार दोस्तों, हिंदू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं छठ महापर्व छठ का बिहार मिथिला का बहुत ही स्पेशल पर्व महापर्व छठ पूजा का ब्लॉग लेकर के हाजिर हो गई हूँ। ये देख सकते हैं एक खरना का ये वीडियो है जिसमें कुछ लोग करते हैं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसमें कई सारे लोग हैं जो छठ पूजा करते हैं। तो खरना के दिन एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, मतलब प्रसाद के लिए एक दूसरे के यहाँ नहीं, जो जो छठ करते हैं वो लोग मतलब कि बुलाते हैं कि जितने भी लोग हैं ये मानने वाले छठ व्रत को, वो सबको प्रसाद के लिए बुलाते हैं। तो जाने के बाद वहाँ पर प्रणाम करने के बाद ये देखिए ऐसे है ना, पूरा अच्छे से मतलब कि मांग भरते हैं और उसके बाद प्रसाद वगैरह यहाँ पे दिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग भी गए थे। यहाँ देखिए ये अर्घ चढ़ गया है, पहला दिन का है ये खरना है ना। चार दिन का ये पर्व होता है, जो नहा खा हो चुका है ये खरना का है। तो तीन चार लोग किए हुए थे यहाँ पे, जिसमें हम लोग थे, तो उसमें से मतलब कि हम लोग यहाँ पे आ गए थे, प्रसाद वगैरह ले लिए हैं, खा लिए हैं और यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा बातें वगैरह हुआ। उसके बाद ढेर सारा प्रसाद ले लेके कितना है ना तो लेके आ गए यहाँ पे। ये देख सकते हैं खीर और रोटी, यही होता है ना प्रसाद इसका खरना का। और अगले दिन का है ये जिस दिन शाम वाला अर्घ है, उस दिन यहाँ पे आ गए हैं सब लोग मिल करके है ना। कुछ कुछ लोग हैं जो मिल करके यहाँ पे ठेकुआ, ये जो बनता है ना ठेकुआ ही बोलते हैं, ठेकुआ खजूर भी बोलते हैं बहुत जगह, ठेकुआ भी बोलते हैं। तो ये सब यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे डाला सजाने लगी हैं। तो ये देख सकते हैं पान सुपारी फूल ये सब डाल के यहाँ पे पूरा अच्छे से डाला वगैरह सजा दिया जाएगा। तो कुछ लोग मिल करके कर लेने से ना फटाफट से हो जाता है ये सब। और फिर उसके बाद शाम को है जो होगा यहाँ पे। तो आजकल जो है बिहार मिथिला में ही सिर्फ ये पर्व नहीं हो रहा है, बिहार मिथिला यूपी में ही नहीं, देश विदेश सब जगह ये सब फैल गया है। जहाँ भी सब लोग रह रहे हैं ना वहाँ पर अच्छे से ये पूजा पाठ हो रहा है। ख़ासतौर से इधर बेंगलोर का ये वीडियो मैं ब्लॉग डाली हूँ, यहाँ पर ही बहुत सारे लोग हैं जो छठ किए हैं। अब बहुत जगह पे मतलब व्यवस्था किया गया है छठ का। तो ये देख सकते हैं शाम को इस तरीके से रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं, छत पे ही हो रहा है ये हम लोगों के यहाँ। और इसके अलावा भी आसपास कई सारे छत पे हो रहा है, उसके अलावा भी सामूहिक रूप से अलग अलग घाट बना हुआ है नीचे ज़मीन में भी बहुत जगह पे। तो वो सब भी आप सबके साथ कुछ कुछ शेयर करेंगे, तो बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे आ गए हैं ऊपर घाट के लिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है ना पोखर बना हुआ है, इसी में यहाँ पे आ गई हैं अंदर जा कर के। पानी में ठारी देने वाले ठारी देंगे, जो अर्घ देने वाले हैं सीधे तो अर्घ भी देंगे। तो यहाँ पर देखिए बाबू है छोटा सा ये बगल में बैठा हुआ। और उसके बाद यहाँ पे अच्छे से ये अभी शाम वाला अर्घ का हो जाएगा। गाना बजाना यहाँ पे चल रहा था तो वो सब कॉपीराइट आएगा, इस वजह से मैं सब म्यूट कर दी हूँ। और भी कई जगह पे कितना ज़्यादा हुआ ये देखिएगा। पहले तो गांव में भी सब एक ही जगह जाते थे, कितना भी दूर दूर रहे वहाँ तक लोग सामूहिक रूप से ही करते थे छठ पूजा का जो ये महापर्व है सो। लेकिन आजकल जो है सो बहुत ज़्यादा लोग एक जगह, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाता है, तो इसकी वजह से लोग पास पास में ही कुछ कुछ लोग मिल करके भी करने लगे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी है, ये देख सकते हैं बगल बगल में ही बहुत सारा छत सब है, जिस पर सब छत पे दिख रहा है अभी ये सब होते हुए पूजा। लेकिन हम लोग इधर बैठे हुए हैं तो अभी दिख नहीं रहा, आपको सुबह वाला में थोड़ा सा दिखाएंगे कि अगल बगल में हो रहा है। एकदम सामने सामने ही दिख रहा है कि सब छत पे, लगभग पाँच सात लोग सब पे हैं जो करने वाले हैं। उसके अलावा तो जितने लोग हैं ऐसे 25-50-100 लोग सब जगह जमा हो रहे हैं बहुत बढ़िया से। और यहाँ अर्घ देना शुरू हो गए हैं शाम का, ये देख सकते हैं छठी मैया का दीनानाथ का अर्घ यहाँ पे शुरू हो गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक मिथिला बिहार का ही गाना यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुना करके आप सबको सुनाती हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए कि कैसे ये हो रहा है यहाँ पे छठ पूजा। तू ही बाबू दौरा वाले जई हाँ अर्घ दिलई हाँ, उगी है सूरज गोसैया हो, उगी है सूरज गोसैया हो, अर्घ दिलई हाँ बाबू निर्मल होई हाँ, परी परी सूरज के पैया हो। तू ही बाबू दौरा वाले जई हाँ अर्घ दिलई हाँ, उगी है सूरज गोसैया हो, अर्घ दिलई हाँ बाबू निर्मल होई हाँ, परी परी सूरज के पैया हो। इस तरीके से बहुत सारा गाना वगैरह गाया जाता है। तो यहाँ पे बज रहा था गाना वगैरह, सब लोग एक साथ बैठ के मतलब इतना नहीं गा पा रहे थे, अच्छे से नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे बज रहा था वही सब जो है ना
सब लोग इंजॉय कर रहे थे, ध्यान लगाए हुए थे, अच्छे से यहाँ पे हो गया है। देख सकते हैं अर्घ वगैरह लोग जाने लगे हैं, तो शाम का अर्घ यहाँ पे समापन हो गया। और भी कई जगह पे हुआ है, तो वो सब आगे आपको वीडियो में बने रहिएगा, आगे मिलेगा देखने को, क्योंकि हर जगह नहीं जा सकते हैं एक ही जगह कहीं पर, क्योंकि एक ही टाइम में सब जगह होता है ये, तो सब जगह आप नहीं पहुँच के देख सकते हैं या दिखा सकते हैं। तो ये सब हम लोग एक जगह यहाँ पर जहाँ किए थे वहाँ का आप सबके साथ यहाँ शेयर कर दिए। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। और आगे देखिए सुबह का अर्घ भी दिखाते हैं आप सबको। सुबह में कितना सुंदर व्यू लग रहा था सूर्य उदय होने का, तो यहाँ पे सूर्य उदय होने के समय का है जो आप सबको यहाँ पे दिखेगा। अभी शाम का ये समापन हो गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, और सुबह का भी स्टार्ट हो जाएगा, तो सुबह का आपको दिखाएंगे, बने रहेगा। ये देख सकते हैं शाम होने के समय भी कितना सुंदर दिख रहा है चारों तरफ से सूर्य अस्त होने का, बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ पे बन गया है। तो आप सबके यहाँ कैसे मनाया गया आप लोग बताइएगा। यहाँ पे सब लोग यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह थोड़ा करवा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ देखिए ये सब शाम का, क्योंकि शाम में तो जो व्रत किए हुए रहते हैं वही पूरा, तो ये व्रत की हैं दीदी, तो इनका देखिए सामने बहुत अच्छा लग रहा है, अलग ही चेहरा पे चमक आता है और एनर्जी और शक्ति मतलब मिलता है उनके जो कृपा होती है उससे। और ये सुबह का है, अगले दिन सुबह का, तो यहाँ पर भी कुछ भजन है जो आप सुनिए, इन्जॉय कीजिए। कौन खेते जन मल धान सुधान, कौन खेते डट हर पान गे माई, कौन को खिली हलन जनम हे सूरज देव, उठ सूरज भैले बिहान गे माई, उठ सूरज भैले बिहान। कुर खेते जन मल धान सुधान, बरैया खेते डट हर पान गे माई, बरैया खेते डट हर पान गे माई, अम को खिली हले जनम हो सूरज देव, उठ सूरज भैले बिहान, उठ सूरज भैले बिहान। बरतियर गले ले ठार भय गंगिया में, जोरी हाथ कैले ध्यान गे माई, उठ सूरज भैले बिहान, उठ सूरज भैले बिहान। तो यहाँ पर देख सकते हैं सुबह का भी अर्घ ये संपन्न हो गया, कितना सुंदर व्यू है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो यहाँ पर कुछ कुछ लोग स्वेटर वगैरह पहने हुए, मैं भी स्वेटर शॉल दोनों ले रखी हूँ यहाँ पे, ताकि सिर पर डालने में भी बने, तो इसलिए। यहाँ पे अर्घ देने के बाद सुबह में तो सब लोग जो है नहा धो के आते हैं अच्छे से, सब लोग यहाँ पे दूध जल वगैरह जो है ना अर्घ देते हैं, तो वही यहाँ पे सब लोग दे लिए हैं थोड़ा थोड़ा, ये देख सकते हैं। और उसके बाद हवन वगैरह का भी व्यवस्था है, तो यहाँ पे हवन भी सब लोग कर लेंगे, हुमाद या हवन जो भी बोल सकते हैं, यहाँ पे हुआ सुबह में। अब बहुत सारा अच्छे से जोड़ा जोड़ा सूप उठाने का भी ये वाला यहाँ पे मैं देखी, देख सकते हैं एक साथ दो दो सूप एक ही हाथ में उठाने का आप देखे होंगे, सुबह शाम वाला में भी था, अभी सुबह वाला भी, तो दोनों में आप देखे होंगे ऐसा। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे ये संपन्न हो गया, सूर्य भगवान यहाँ देखिए सामने दर्शन दे दिए हैं, तो बहुत ही सुंदर जो है ना अच्छे से यहाँ पे हो गया सब। इस बार बारिश वगैरह नहीं हुई थी, नहीं तो कभी कभी छठ के दिन भी बारिश हो जाती है यहाँ पे, इस बार बारिश नहीं हुआ, बहुत अच्छे से ये संपन्न हो गया यहाँ पे। और कई जगह जो हुआ है वो आगे आपको दिखाऊंगी। यहाँ सूरज का व्यू पहले देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये देखिए हवन का व्यवस्था यहाँ पे हो रहा है अभी, है ना, जलाया जा रहा है, तो सब लोग यहाँ पे हवा से आपको पता लग रहा है कितना हवा चल रहा है, बहुत हवा चल रहा है तेज वाला, ऊपर ऊँचाई पर होने की वजह से और भी ज़्यादा हवा लग रहा है, तो अच्छा ठंडा हो रहा है मौसम, मतलब हवा से थोड़ी देर बाद जब धूप वगैरह होगा तो अच्छा हो जाएगा मौसम, इतना ठंडी नहीं पड़ती है यहाँ पे, बहुत कम कम ठंडी लेकिन ठंडी रहती है। तो यहाँ देखिए सब लोग यहाँ पे हवन कर लिए अपने हिसाब से, पांच बार सात बार जिनको जैसा मतलब हुआ उस हिसाब से अपना यहाँ पे हवन हो गया है, ये देख सकते हैं सब लोग यहाँ पे कर लिए हैं एक एक करके। बच्चे वगैरह भी जो थे वो सब भी अपना कर रहे थे यहाँ पे, जो भी नहा धो करके आए थे अपना, सबको प्रसाद वगैरह मिला, तो बहुत अच्छा लगा ये सब जो है ना आस्था का पर्व, सब लोग मिलजुल के करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पे प्रसाद होने लगा वितरण, ये देख सकते हैं सिंदूर टीका लगा के यहाँ पे सब लोगों को प्रसाद दे दिया जाएगा, ये देखिएगा, देखिए इस तरीके से सब लोग एक एक करके जो भी व्रत की है ना
वही लोग हैं, मतलब टीका लगा के आशीर्वाद दे के खोइछा में प्रसाद वगैरह देती हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया मतलब कि लगता है। अभी तो ये हर जगह का चलन हो गया है, हर जगह ये सब होता है, एक दूसरे के साथ सुहाग बांट करके गोद भरते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो अच्छे से बच्चे वगैरह भी स्कूल जाने वाले भी थे बहुत सारे, तो वो लोग भी जल्दी जल्दी कर रहे थे, क्योंकि सुबह में तो छुट्टी वगैरह तो यहाँ पर होती नहीं है, ये दिवाली छठ वगैरह ये सब का कोई चीज़ का छुट्टी वगैरह नहीं रहता है, तो उसी में एडजस्ट करके सब लोगों को करना पड़ता है। जिनको छुट्टी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसी में मतलब हो जाता है। तो संडे था इस वजह से इस बार तो बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन मंडे को सुबह सुबह वाला तो ऐसे ही भागदौड़ हुआ, जल्दी जल्दी लोग भाग के अपना टिफिन वगैरह ये सब बना करके फिर अपना गए, अपना अपना ड्यूटी है, अपना स्कूल जिनको जहाँ जाना था काम पे वैसे। तो यहाँ देखिए सब लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे ये संपन्न हो गया हम लोगों का छठ पर्व का, ये देख सकते हैं। और कई जगह पे जो हुआ है बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सारा प्रोग्राम सब भी हुआ है और गाने बजाने वाले भी आए हुए थे, ये सब भी था, तो वो सब आप सबको दिखाते हैं अभी आगे चल के। यहाँ पे पहले ये कंप्लीट हो जाए तो आप लोग इसको एंजॉय कर लीजिए पहले। यहाँ पे देख सकते हैं टीका वगैरह लगा के प्रसाद वगैरह यहाँ ले लीजिए पहले। तो बस यहाँ पे छत पर जो हुआ था वो सब यहाँ संपन्न हो गया है, टीका वगैरह यहाँ लग गया अच्छे से। और कुछ लोग अभी भी मतलब कि कुछ फोटोग्राफी वीडियो वगैरह कर रहे हैं, प्रसाद वगैरह वितरण हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं उन सबों में। तो बस चलते हैं यहाँ पे, नीचे नाश्ता वगैरह भी बनेगा और आगे का सब आपको दिखाते हैं कि क्या सब हो रहा है। यहाँ देखिए तो और भी जगह जहाँ पे हुआ है ये सब देख सकते हैं, ये कैसे हुआ है एकदम, तो बिहार मिथिला अपने जो होता है ना बिहार यूपी मिथिला वगैरह में, उससे भी बहुत ही बढ़िया तरीके से गंगा वगैरह के किनारे जैसे होता है ना उस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही धूमधाम से कैसे सज धज के लोग आए हैं, खूब सारा इंजॉय किए हैं, बहुत ही बढ़िया से एकदम आस्था का पर्व ये जो है ना कितना सुंदर लग रहा था, ये देख सकते हैं बहुत बढ़िया। और ये पानी देखिए गंगा जी की तरह एकदम निश्चल कितना सुंदर है, और बहुत अच्छे से सजावट और सब व्यवस्था वगैरह पहले से। आप लोग यदि जुड़े होंगे मेरे चैनल के साथ तो पहले आप होली का एक देखे होंगे हम लोगों का सामूहिक रूप से जो होली का प्रोग्राम यहाँ पर जो मतलब हुआ था, हम लोग डाले थे वीडियो वगैरह, तो यहाँ के जो मंत्री वगैरह की तरफ से जो व्यवस्था था वो वाला था, तो उसी तरीके का ये व्यवस्था भी है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे लोग पानी के अंदर आपको दिख रहे हैं, तो बहुत सारे सामूहिक रूप से लोग मिल करके किए थे। ये एक जगह का है जहाँ पे दिखा रहे हैं, ऐसा ऐसा कई जगह पे हुआ था जहाँ इस तरीके से हुआ था, तो आप देख करके ऐसा मतलब कह नहीं सकते हैं कि ये बिहार यूपी में नहीं हो रहा है, ये बिहार यूपी की तरह ही यहाँ पर व्यवस्था वगैरह किया गया, बहुत ही सुंदर। ये देख सकते हैं कोसी वगैरह भरने का भी सब, एक गन्ना से जो कोसी भराता है वो सब भी कर रहे थे लोग यहाँ पर, ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा से यहाँ पर हुआ ये सब। थोड़ा थोड़ा मतलब जो वीडियो बना है वो सब आप सबके साथ यहाँ शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग इन्जॉय कीजिए। यहाँ पे खूब अच्छा से गाना बजाना भी हुआ है, गायक वगैरह भी आए हुए थे, तो आगे देखिएगा, आगे आपको देखने को मिलेगा वो सब। और ढेर सारा प्रसाद वगैरह भी वितरण किया गया जो अलग से बना करके लाया गया था, ये जो व्रत किए थे वो लोग तो दे ही रहे थे प्रसाद, उसके अलावा भी अलग से प्रसाद का व्यवस्था था जो सबको दिया गया था, कोई भी खाली हाथ यहाँ से नहीं लौटा था, सबको प्रसाद मिला था बहुत ही अच्छे से। और खूब अच्छा मतलब कि ये लगा, यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, ये जूम करके थोड़ा सा नज़दीक से दिखाने के लिए ऐसे हो गया थोड़ा वीडियो, तो आप लोग इन्जॉय कीजिए। पसंद आ गया होगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, है ना। यहाँ देख सकते हैं ये सब लोग है ना, तो कुछ कुछ लोग यहाँ पे थे, कुछ कुछ लोग वहाँ पर भी मतलब कि जो गए थे। यहाँ देखिए सुनिए ये सब,
इस तरीके से सब भजन वगैरह कितना बढ़िया सुनाया गया, जो देख सकते हैं छठी मैया का बहुत अच्छा एंजॉय किए लोग। और ढेर सारा प्रसाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये सब प्रसाद वगैरह यहाँ वितरण हुआ, ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे सब ये संपन्न हो गया। तो आप सबको पसंद आ ही गया होगा, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के यहाँ कैसे मनाया गया आप लोग भी बताइएगा, और ऊपर लिखा हुआ है कि इनके तरफ से ये छठ पूजा का ये सब आयोजन किया गया था, जो वो सब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा सब लोग इधर फोटोग्राफी वगैरह वीडियो वगैरह भी खूब सारा बनाए इन्जॉय किए, तो बहुत ही अच्छा ये पर्व का ये देख सकते हैं कितना सुहावना लग रहा था, बहुत ही सुहावना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ संपन्न हो गया, ढेर सारा प्रसाद वगैरह मिला और मैं कुछ बनाई हूँ, वो भी आप सबको लास्ट में देखने को मिलेगा, तो पसंद ज़रूर बने रहिएगा लास्ट तक। यहाँ देखिए कितना अच्छे से सब लोग दीप वगैरह जला करके ये देख सकते हैं ना कितना सुंदर लग रहा है। तो ये सुबह के अर्घ का है जो आप सबको दिख रहा है, शाम वाला भी थोड़ा सा पीछे दिखा होगा। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा वीडियो था जो मैं आप सबके साथ यहाँ पर शेयर कर दी, ज़रूर पसंद आ गया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और यहाँ देखिए ढेर सारा प्रसाद में क्या सब मिला है, ये देखिए ये ठेकुआ जो बिहार मिथिला में बनता है उस तरीके का ये ठेकुआ खजूर की तरह ही बना था, बहुत ही बढ़िया ये प्रसाद सब ये देख सकते हैं ढेर सारा। और ये देखिए ये है खाजा जो इधर का है, बेंगलोर का ही खाजा है ये जो इधर मिला था, वो है ये प्रसाद सब, ये लड्डू, ये गन्ना, ये सब जो चढ़ता है मेन प्रसाद में, बड़ा वाला गागर नींबू यही सब प्रसाद मेन होता है, नारियल वगैरह, तो ये सब कुछ है यहाँ पे प्रसाद में, ये देख सकते हैं। और भी लेकर के आ गए ढेर सारा, तो ये देखिए ये सब यहाँ पे जो खोइछा में दिया गया था वो सब है, तो और यहाँ रख दिए हैं, तो इस तरीके से देखिए, थैंक यू। और ये बना रहे हैं यहाँ पे अपने से, जो हम लोग के यहाँ बिहार में जहाँ पे मैं हूँ उधर बनता है ये सब, बिहार में भी बहुत सारे एरिया में ये वाला ठेकुआ नहीं बनता है, हम लोग के यहाँ बनता है ये बहुत ही सॉफ्ट वाला ठेकुआ जो आटे और गुड़ से बनाया जाता है, उसके अंदर कोई मोयन वगैरह कुछ नहीं पड़ता है फूलने के लिए, और ये फूल फूल के कितना बड़ा बड़ा बनेगा ये देखिएगा। तो इसका रेसिपी जो है ना, फूल आप देखना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल पर पहले डाला हुआ है, तो आप लोग वहाँ जा कर के देख सकते हैं, और मैं इसमें पिन भी कर दूंगी तो आप उसमें भी देख सकते हैं, लिंक डाल दूंगी तो देख सकते हैं। यहाँ देखिए ढेर सारा ये बन गया है, और कितना सॉफ्ट यम्मी बनता है ये, इसका दूध के साथ भी इसको बनाया जाता है, तो वो भी आगे उस वीडियो में डाला हुआ है, तो आप लोग उसमें भी देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट है। ये देखिएगा ये गुलगुला एक होता होगा, जानते होंगे आप लोग, तो उस तरीके का ये बनता है, बहुत ही यम्मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं इस तरीके से, लीजिए आप लोग भी इन्जॉय कीजिए प्रसाद को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।